नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल टॉप अर्निंग टिप्स। मैं हूं आपके साथ धर्मवीर सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आपको हर कोई नहीं बताता। हम में से बहुत सारे लोग या बहुत सारे चैनल पे आप देखते होंगे कि आपको तरह तरह की चीज़ों को बनाने के बारे में लोग बताते हैं कि ये चीज़ इस तरह मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, वो चीज़ उस तरह मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। सभी बहुत सारी चीज़ों को बनाने के बारे में आपको बताते हैं और आप देखते भी हैं, बनाना भी सीखते हैं, लेकिन कोई आपको उनको पैक करने के बारे में नहीं बताता। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि उनका पैकिंग मटेरियल कैसे बनाया जाए। इस बिजनेस को शुरू करके आप लाखों रुपये कमा सकते हैं। जैसे कि कोई भी आप स्वीट्स हुई, मिठाई हुई, खाने के पैकेट हुए या कपड़ों का पैकेट हुए, उन सारी पैकेटों को बनाने के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं आज के वीडियो में कि किस तरह से हम पैकिंग बॉक्स बना सकते हैं। जैसे कि मिठाई के बॉक्स हुए या बहुत सारी चीज़ों को रखने के लिए डब्बों की ज़रूरत होती है, आप उनको बना सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये छोटे छोटे खाने के पैकेट होते हैं, ये भी आप इनसे बना सकते हैं। और काफ़ी बड़े बड़े जो कि साड़ियाँ आदि रखने के लिए बनाए जाते हैं बॉक्स, वो सब भी आप इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम बात कर रहे हैं बॉक्स मेकिंग बिजनेस के बारे में। इनको बनाना काफ़ी ईजी होता है, हालांकि आपको बनाना नहीं है, सिर्फ काट के देना है। आपको ज़रूरत पड़ेगी एक मशीन की और पड़ेगी ज़रूरत कुछ रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल में सिर्फ गत्ते का इस्तेमाल करना होता है और एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जिस मशीन की सहायता से इनमें अलग अलग डिज़ाइन की अलग अलग कटिंग की जाती हैं। इस मशीन की सहायता से आप किसी भी साइज़ के डब्बे बना सकते हैं। इस मशीन की जो प्लेट होती है उस पर आपको निशान बना दिया जाता है, कुछ लकड़ी का एक टुकड़ा लगा दिया जाता है जो कि हमारे साइज़ को मेंटेन करता है। आप जिस भी साइज़ के बनाना चाहते हैं उस साइज़ के आप यहाँ पर निशान लगा दीजिए और गत्ता उसको रख दीजिए और सिर्फ एक बार में ही ये उसको कट कर देती है। इससे काटना काफ़ी ईजी होता है। और एक बात बताऊँ आपको, ये यहाँ से कटे हुए निकलने के बाद आपको इनको डब्बे बना के पैक नहीं करना, ये सिर्फ कटे हुए ही मार्केट में सेल होते हैं। जहाँ पे दुकानें होती हैं आपको वहाँ पर सिर्फ इस तरह की कटिंग किए हुए गत्ते ही देने होते हैं मार्केट से। अब इसको रॉ मटेरियल जब आप लेने जाएंगे तो ये 22 से लेकर के 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको अलग अलग GSM के अनुसार मिल जाते हैं। इनकी कीमत डिपेंड होती है कागज़ के या फिर गत्ते के GSM पर। जिसका GSM जिस हिसाब से है उस हिसाब से इनकी कीमत होती है, 22 रुपये से लेकर के 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो आप इस मशीन से जब इस तरह के बॉक्स बनाना या फिर काटना शुरू करते हैं तो आप एक घंटे में लगभग 500 से 700 बॉक्स काट सकते हैं इस मशीन की सहायता से। मान लेते हैं कम से कम आप 500 बॉक्स ही काटते हैं और एक हमारा एक रुपये का जाता है तो आप 500 के हिसाब से एक रुपये के हिसाब से और 500 हुआ 500 रुपये का, तो एक घंटे में आपने 500 रुपये की कमाई की। अगर आप 8 घंटे इस मशीन को चलाते हैं तो 4000 रुपये की आपकी इसमें कमाई हो जाएगी। और गत्ते की अगर बात करी जाए तो उसमें आपकी लागत आएगी 25 पैसे से ज़्यादा नहीं आ सकती। अभी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनको काटना कितना आसान है। बस मशीन का बटन दबा दीजिए और बटन दबाते ही सिर्फ एक बार में ही जितने सारे गत्ते हैं वो एक साथ कट जाते हैं। बस उनको वहाँ से निकाल लिया जाता है और उनके साइड में जो कटा हुआ कागज लगा होता है उसको निकाल के एक तरफ कर दिया जाता है। एक तरफ करने के बाद ये कटे हुए गत्ते आपके सामने होते हैं, इनको मोड़ करके एक डब्बे की शक्ल दी जाती है। ये एक ही डिज़ाइन नहीं, आप इसमें जैसी जिस तरह की भी डाई लगाते हैं उस तरह की कटिंग हो जाती है। यहाँ हम आपको सिर्फ एक तरह से दिखा रहे हैं, आप इसमें अलग अलग तरह की डाइयाँ अलग अलग साइज़ की डाइयाँ लगा करके अलग अलग तरह के और अलग अलग साइज़ के डब्बे बना लिए जाते हैं। जब जो भी जिनको इनको खरीद के मार्केट से लेके जाता है तो वो एक साथ इतने डब्बों को इकट्ठा कर लेता है और उनको ऐसे मोड़ लेता है। मोड़ने के बाद इनके डब्बे बना लिए जाते हैं और इनमें अपनी मनचाही चीज़ को रख के लोग बेच देते हैं। जैसे कि ये छोटे छोटे डब्बे हम अभी आपको काट के दिखा रहे हैं तो ये स्वीट्स या फिर खाने के छोटे छोटे पैकेट्स आदि बनाने के काम में आते हैं। ज़्यादातर आपने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पे देखे होंगे इनमें खाना पैक करने के लिए, या फिर जो हलवाई या फिर खाने के जहाँ पे चीज़ें होती हैं ना वहाँ ऑर्डर मिलते हैं तो खाने के पैकेट बनाने के लिए इस तरह के डब्बे को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इस तरह के डब्बे भी बना सकते हैं और साइज़ में बड़े बड़े, यानी कि साड़ियाँ रखने, कपड़े रखने या फिर मिठाई रखने, जिस भी चीज़ के चाहें तो आप डब्बे बना सकते हैं। आइए थोड़ा सा इस मशीन के बारे में हम आपको जानकारी दिलवाए देते हैं।
सर ये हमारी डाई कटिंग मशीन है, इससे मिठाई के डब्बे, साड़ी के डब्बे वगैरह बनाए जाते हैं सर। इसकी कॉस्टिंग 4 लाख से स्टार्ट हुई है और 6 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए तक का ये प्लांट आता है। इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो 22 रुपए से लेकर और 28 रुपए पर केजी तक आता है। वो उसके कागज के जीएसएम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इस मशीन को चलाते हैं, नॉर्मली इस पर 3 किलोवाट का लोड है और पर केजी पर इस पे मार्जिन आप करीब 10 से 15 रुपए पर केजी मार्जिन कमा सकते हैं। देखिए इस तरीके से के डब्बे भी बना सकते हैं। इसका साइज जो कटर का साइज है 27-32 है। कितने बड़े तक डब्बे बना सकते हैं आप कटिंग करके? बिल्कुल नया बिजनेस है, लोग बहुत सारी चीज़ों को बनाना चाहते हैं लेकिन हम आपको चीज़ों को पैक करने के बारे में बता रहे हैं। इसमें कंपटीशन भी नहीं है, आप इस बिज़नेस को शुरू करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। 4 से 5 हज़ार रुपये आप डेली कमा सकते हैं इस मशीन की सहायता से। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।